Hello students, welcome to the pinnacle online platform. My name is Rohit Marwa, your English educator. We have launched the students SSC GD Constable 2024 book, in which you get 6000 plus TCS MCQ. This is the second edition of this book. You can buy this book from the market, students. And one more good news for you, students. We have also launched the video course, video course of this complete book. Okay, students, in which you get 6000 plus question in the form of video, and I will teach you the English part. मैथ रीजनिंग जीएस इंग्लिश कंप्लीट, सिक्स थाउजेंड प्लस क्वेश्चंस, ओके आई विल टीच द इंग्लिश पार्ट एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड स्टूडेंट्स मैनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस बुक अब आपके लिए वीडियो सोलूशन आ चुका है इन सभी क्वेश्चन का कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन की बुक से कई बार कुछ टॉपिक नहीं समझ आते कि इसमें क्या एर है ये क्यों नहीं हुआ इस पार्ट में क्यों नहीं हुआ दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू ओके स्टूडेंट वीडियो कोर्स में मिल रहे आपको एक एक क्वेश्चन अपने फ्रेंड्स को रि रिलेटिव को आप रिकमेंड कर सकते हैं इस कोर्स के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 50 क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं यह फिफ्टी वन सेवेंटी फाइव क्वेश्चन हम करेंगे इस वीडियो में स्टूडेंट्स एक चीज याद रखें पहले आप खुद सोल्व करने का ट्राई करेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ोगे आप पहले इसको क्या लिखा हुआ है रीडिंग स्किल लगाओगे गो थ्रू करोगे कंप्लीट सेंटेंस को एरर तो बाद में निकलेगा नाउन ए प्रोनाउन का पहले इस पूरे सेंटेंस को गो थ्रू करो कंप्लीट यहाँ से लेकर अपनी मदर टंग में समझो कि लिखा क्या हुआ है तब एरर निकालो कोई नाउन प्रोनाउन का ठीक है खुद सोल्व करो तब वीडियो देखो चलो मैं करवाता रहूंगा साथ साथ स्टोरी कंप्लीटली ये आपका हो गया सब्जेक्ट और ये इसकी होगी वर्ब ठीक है हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब आना जरूरी है और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आए ना है, क्या पता जाए क्योंकि हर वर्ब ट्रांजिटिव नहीं होती ठीक है ये जरूर आएगा सब्जेक्ट वर्ब तो आपका क्या कहते हैं वर्ब आपको पता ही है सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है ठीक है तो यहाँ वायलट्स वी वन लगा के दे रखे एक बार मैं मार्कर से चेंज कर लूं स्टूडेंट जस्ट अ सेकंड हाँ जी ये देखिए अंडरलाइन जो चीज़ कर रखी है उसे इंप्रूव करना है आपको स्टूडेंट और कुछ नहीं करना इसमें जो चीज़ अंडरलाइन है हाँ क्या है सिमिलर अपॉर्चुनिटी डोरी क्या कहते हैं कंप्लीटली वायलेट करती है वुमेन के राइट्स को डिनाई करती है उनको सिमिलर अपॉर्चुनिटी इन सोसाइटी में जो समान उसको अवसर मिलने चाहिए उसे सोसाइटी में क्या कहते हैं डिनाई करती है डाउरी और अब आप बता दो क्या आएगा एक्यूरेट प्लेस अप्रोप्रिएट डिज़ायर इंक्रीजिंग ऑनर सम्मान आपको पता है सिमिलर अपॉर्चुनिटी नो सब्स्टिट्यूशन तो है नहीं ये भी आ जाता नहीं तो पर सेम इसको एक रिप्लेस करना ही करना है एक तरह से यूं कह रहे हैं सब्सिट्यूट बताओ इसका क्या सिनोनिम बताओ सिम इक्वल स्टैंडिंग या सिमिलर अपॉर्चुनिटी एक ही चीज है तो ये लाइन को इससे रिप्लेस करो क्योंकि अंडरलाइन सिर्फ इस पार्ट पे ही थी ठीक है स्टूडेंट चलिए नेक्स्ट करिए हाँ अब देख लो किस पार्ट पर अंडरलाइन है कि उसे ही रिप्लेस करना है बस शी वॉज इम्बेरेस्ड आपको पता है वो यहाँ पे मेन वर्ब है और इज एम आर जब भी मेन वर्ब होते हैं तो आगे एडजेक्टिव आते हैं क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब होती है सब्जेक्ट कोई क्वालिफाई करती है ठीक है ये नया क्लोज शुरू हो गया आपका कंजंक्शन लगा के बिकॉज हर फ्रेंड्स वर लफिंग लविंग के साथ जो बेटा फिक्स प्रीपोजिशन यूज होती है ना लाफ एट होती है पहले तो ये सीख लो ओन नहीं होती फ्रेंड्स के बाद वर बिल्कुल सही है लॉफिंग <laughs> अपन गलत टू गलत एट बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये भी हो गया नेक्स्ट देखिए

मैंने चूज किया नोट टू गो फॉर द री बेटा री का मतलब पता है क्या होता है जैसे फ्रेंड कहते हैं चल 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 हम दो कई लोग होते हैं कई सालों बाद मिलते हैं अपने काम धंधे के बाद नौकरी के बाद तो वो कोई पार्टी अरेंज करते हैं कुछ ठीक है उसे कहते हैं री यूनियन. तो ये एक इवेंट कहलाता है इवेंट कहला लो या कोई पार्टी का प्लेस भी कह सकते हैं इसे वहां मिलते हैं तो उनके लिए प्रिपोजिशन टू यूज होती है स्टूडेंट कहीं जाने के लिए जैसे आई गो टू स्कूल ठीक है तो फोर द रियूनियन नहीं नोट टू गो टू द रियूनियन कि मैं नहीं जाऊंगा गो के बाद टू लगती है आपको भी पता है गो टू स्कूल तो अब देख लो अब किसमें है फोर गलत है इसमें यही है बिल्कुल सही ठीक है रीयूनियन एक प्लेस है एक इवेंट है वहां तक जाना है तो टू प्रीपोजिशन लगती है कहीं भी जाना हो आई गो टू स्कूल हॉस्पिटल इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आते हैं देखो जल्दी नेक्स्ट द प्रिंसिपल की सेकंड फॉर्म लगाई हुई है ठीक है लगाने दो वो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब पहले मेरे से एक सीख लो या देखो गोज भी है गोज भी है ना पहले एक चीज सीखो फटाफट टेंस का एक कॉन्सेप्ट है देर आर ट्वेल्व इन इंग्लिश ग्रामर ट्वेल्थ है और ट्वेल्व फॉर्मूला हो गया फिर एक ये प्रेजेंट डेफिनेट हो गया फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया फिर प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला अलग हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज का अलग हो गया ऐसे पास्ट के फोर हो गए ऐसे फ्यूचर के फोर टेंस हो टेंस हो गए और अगर कोई टाइम का हिंट नहीं है ना बच्चों ना डेली लिखा ना येस्टरडे ना टुमोरो ना कोई सीन्स या फोर तो आपको ये सारे टेंस सही मानने हैं जैसे एग्जामिनर ने लिख दिया आई रोट अ लेटर येस्टरडे ऐसे लिख दिया आई रोट अ लेटर येस्टरडे ने लिखा आई रोट अ लेटर तो मतलब वो वी टू लगा के कोई लाइन बताना चाहता है तो आपको चुपचाप सही मान लेना ये नहीं वी टू गलत है वी वन आएगी क्या वी टू ग्रामर में है नहीं है वो अगला पास्ट की कोई कहानी सुनाना चाहता है तो आपको सही मानना है उसे आई रोट अ लेटर सही है अगर हिंट होता भाई डेली है

डिक्लेयर करने के लिए कि ट्वेल्थ जून एक हॉलीडे है फॉर द एंटायर ग्रुप ऑफ स्कूल एक स्टेप आगे लिया ना कि दूर लिया आगे फर्दर फर्दर का मतलब होता है एक स्टेप एक्स्ट्रा कई बार ये फार्दर और फर्दर में डिफरेंस आता है ठीक है फार फार्दर फार्देस्ट ये बेटा दूरी की डिग्री है डिग्री एडजेक्टिव एडवर्ब की होती है ठीक है कुछ दूर किसी चीज से कंपेयर करना है तो दो चीज़ों का दो शहर कंपेयर कर लो डेली इज़ फार्दर देन चंडीगढ़ ऐसे करके कुछ तो फार्दर आ जाता है फारदर सबसे दूर तब ये होता है दूरी के लिए और एक होता है वर्ड फर्दर ये एडवर्ब होता है एडजेक्टिव भी होता है ये फर्दर का मतलब होता है एक्स्ट्रा आई नीड फर्दर इन्फॉर्मेशन अब आप देखो फार्दर बोलना है या फर्दर बोलना है प्रिंसिपल ने एक स्टेप एक्स्ट्रा लिया मतलब एक्स्ट्रा बोलना है बेटा यहाँ पे ठीक है एक स्टेप आगे लिया ना कि दूर तो यहाँ बेटा फर्दर सही है यहाँ पे ना कि फार्दर फर्दर इज़ ओके दूरी नहीं कंपेयर नहीं करनी और ऊपर से कंपेरेटिव डिग्री लगा रखे कि किसका किससे कंपेयर कर रहे हो दूरी ठीक है जैसे मैं कहूँ ही लिप्स एट द फार्दर एंड ऑफ द स्ट्रीट वो फार्दर एंड पे रहता है स्ट्रीट के अब यहाँ कंपैरिजन अच्छा है क्योंकि स्ट्रीट के दो एंड होते हैं तो इस वाले एंड पे रहता है कंपेयर हो गया ना इस एंड का इस एंड से बट यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा तो आपको फर्दर नाम का वर्ड यूज करना चाहिए ठीक है जो कि यहां एडवर्ब का काम कर रहा है तो अब यहां देख सकते हैं ठीक है और अब गोज क्यों नहीं आया सर आपने तो कहा था सारे टेंस सही है हाँ बिल्कुल सही है बट यहां फादर फिर गलत हो गया इसलिए गलत हो गया बट फिर भी अगर स्टूडेंट दो आई प्ले क्रिकेट भी लिख रखा है और आई प्लेड क्रिकेट भी लिख रखा है दोनों सही है पर आपको एक चूज़ करना है तो आप फिर अपनी सेंस लगाएंगे कि भाई सही तो सारे हैं पर आप सेंस लगाओगे क्योंकि टाइम का हिंट तो है नहीं डेली यस्टरडे आप सेंस लगाना कि ये डेली होने वाला काम है या एक आधी बार होगा तो ये डेली होने वाला काम तो है नहीं एक ही बार करेगा वो डिक्लेयर रोज तो करता नहीं है कि 12 जून को ये है 12 जून को वह डेली थोड़ा कोई काम होता है एक ही आधी बार हुआ है तो V2 ज़्यादा बेटर है और वैसे भी गोज लगाता तो मैं यहाँ फार्दर बिल्कुल गलत है तो मैं यहाँ पे बताऊ क्या लगाऊँ वेंट अ स्टेप फर्दर कहोगे ये क्यों लगाए क्योंकि फर्दर का ऑलरेडी मी, मीनिंग ही मोर होता है एक्स्ट्रा मोर तो फर्दर के साथ मोर थोड़ा आएगा सिर्फ ये आंसर है बिल्कुल सी तो प्रिंसिपल ने एक स्टेप आगे लिया ठीक है डिक्लेयर करने के लिए कि ट्वेल्थ जून को हॉलीडे है एंटायर ग्रुप ऑफ स्कूल्स नेक्स्ट डज इट डिफिकल्ट टू ड्राइव अ लॉरी थ्रू अ क्राउडेड नैरोन भाई कोई आपके पास एक लॉरी है जिसमें सामान भर के जाते हैं क्या आप इसको क्राउडेड भीड़ भरी गली लेन का मतलब गली से ले जा सकते हैं ये पूछ रहा है। क्या ये डिफिकल्ट है ले जाना ये पूछ रहा है। डज इट डिफिकल्ट लगा के अब आपको कह रखे यहाँ डज इट सही है इजेंट सही है डू इट सही है ये बताना है बताओ हाँ जी देखो अब आगे डिफिकल्ट लिख रखे इससे पता लग जाएगा आपको अब आपको सीखना पड़ेगा डिफिकल्ट क्या है ग्रामर में डिफिकल्ट की पार्ट ऑफ स्पीच जैसे ही आपको पता लगी स्टूडेंट एक एडजेक्टिव है तो आपके अब दिमाग चल जाएगा कि एडजेक्टिव है तो आप डज लगा ही नहीं पाओगे क्योंकि बेटा आप डज जब लगाते हो देखो डज लगाया फिर यहाँ सब्जेक्ट लिखा फिर डज के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है तो वी आती है डिफिकल्ट तो एडजेक्टिव है वी तो मुझे कहीं दिख नहीं रही है सब्जेक्ट ठीक है अब मॉडल भी नहीं लगा सकते क्योंकि मॉडल के बाद भी बी वन आती है ही वुड प्ले तो डिफिकल्ट तो एडजेक्टिव है अब आप ये दोनों बच गए अब आप इसको क्वेश्चन ना समझो क्वेश्चन में तो आगे आ जाते हैं ना तभी तो क्वेश्चन है इसे वापस लिख दो आपको पता लग जाएगा यूं लिख के दिखाओ इट इज नोट नोट भी वहीं ले जाओ ठीक है और नोट जब सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं वैसे तो हेल्पिंग हो पाती है ना सब्जेक्ट से आगे पर नोट भी अगर आता है ना आगे तो उसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखना पड़ता है या तो नोट वहीं लिखो सब्जेक्ट के बाद अगर आगे ले आते हो तो शॉर्ट फॉर्म में डजेंट डोंट वॉन्ट ऐसे इट इज नॉट अब मैं कह रहा हूं वापस ले आओ अब तुम खुद बताओ इट इज नॉट डिफिकल्ट अच्छा लग रहा है लाइन वापस ले जाओ इसे सिंपल बना लो इट इज नॉट डिफिकल्ट सही लग रहा है आपको सेंटेंस या फिर आपको बच्चे इसको भी वहां ले जाओ इट आर नॉट डिफिकल्ट अच्छा लग रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन बनाया हुआ है ना हेल्पिंग वर्ब आगे ले गए हैं या फिर इट डू ये अच्छा लग रहा है क्योंकि ऑप्शन में नो no सब्स्टिट्यूशन तो है ही नहीं इट वुड Difficult, ये सही लग रहा है तो आप खुद बताओ स्टूडेंट कौन सा सही लग रहा है आपको सेंटेंस। हाँ जी बताओ, देखो। आप दिख रहे है इसमें क्या आर हाँ, अगर सेंटेंस में मेन वर्ब का, का काम करते हैं है तो आगे आई एन जी आता है या फिर वी थ्री आता है पैसिव है तो बट इज एम आर अगर मेन वर्ब का काम करते हैं स्टूडेंट किसका मेन वर्ब का तो आपको पता है स्टूडेंट

Ever since यहां पे एक एडवर्ब का काम कर रहा है यंग एडजेक्टिव है चलो एवर सिंस यंग जब से वो यंग है बताओ जब से हम यंग थे हमें क्या पढ़ाया जाता था पैसिव सेंस है ठीक है हम नहीं पढ़ा रहे हमें पढ़ाया जाता था आपको पता है सेंटेंस एक्टिव या पैसिव है तो देखना पड़ता है सेंटेंस एक्टिव है तो फार्मूला एक्टिव का सेंटेंस पैसिव है तो फार्मूला पैसिव का ठीक है अब आपको पता है एक्टिव क्या होता है जिसमें आगे डूअर हो जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं मैं आऊना आगे डूअर क्रिकेट आगे आ जाएगा जिसके पर खेला जाता है तो वो रिसीवर है तो फॉर्मुला पैसिव का और पैसिव के फॉर्मुला बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म लगती लगती है ठीक है तो हम नहीं पढ़ा रहे हमें पढ़ाया जाता है इसका मतलब आगे डूअर नहीं है रिसीवर है तो पैसिव सही है एवर सिंस यंग जब से हम यंग थे वी वर टोल्ड दैट वी कैन ओबे अवर एल्डर्स न हम कर सकते हैं ये तो एक एडवाइस होगी ना बच्चे एडवाइस के लिए या तो ओट टू यूज होता है मॉरल एडवाइस के लिए या शुड यूज कर सकते हो अगर ओट टू नहीं है तो ऑप्शन में बाकी सब मॉडल ये पॉसिबिलिटी बताता है ये एबिलिटी बताता है नीड नोट का मतलब रिक्वायरमेंट बताता है आपको जरूरत नहीं है शुड लगेगा यहां सीधा पता लग रहा है कैन तो एबिलिटी बताता है मेंटल या फिजिकल आई कैन लिफ्ट दिस बेंच इस तरह से तो शुड इज ओके यार ओके नेक्स्ट वट इज द क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर चलो वट इज द क्वालिटी इज द आपको पता है वट की अपनी कोई वर्ब नहीं होती स्टूडेंट बट जब बीच में जैसे ये लिंकिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बट और ये एक ही चीज है जैसे मैंने लिखा ही इज अ टीचर ही इज अ तो ये वही लिंकिंग लिंकिंग वर्ब वर्ब है वर्ब के बाद आपको पता अभी बताया था जब इज एम आर मेन वर्ब का, का काम करती है या तो एडजेक्टिव आते हैं या नाउन आते हैं तो वो नाउन कौन से होते हैं ऑब्जेक्ट नहीं सेम सब्जेक्ट का ही कॉम्प्लीमेंट ही और टीचर एक ही ठीक है अब आप हु बताओ Who से कोई लाइन बनाओ हु इज ही यहाँ इज लिखा ना आपने ठीक है अब मैं अगली लाइन बनाऊंगा हु की अपनी कोई वर्ब नहीं होती स्टूडेंट वैसे हु बाई डिफॉल्ट सिंगुलर होता है अगर हु सब्जेक्ट है तो बट यहाँ ये है सब्जेक्ट हु इज ही में ये कॉम्प्लीमेंट है ये उधर आएगा आंसर में जैसे हु इज ही का आंसर क्या होगा ही इज राम तो ये हु इधर आ जाता है ये सब्जेक्ट हु आर यू अब आर क्यों आया क्योंकि सब्जेक्ट यू है ठीक है ये हु तो कॉम्प्लीमेंट बन जाता ये है ये उधर आना है बस क्वेश्चन में इधर आया हुआ है ठीक है तो यहाँ पे वट इज़ द क्वालिटी में सब्जेक्ट वट की अपनी कोई वर्ब नहीं है ये वट है क्या ये क्वालिटीज़ के लिए तो ईजाया है क्वेश्चन है तभी तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई है तो ये है क्वालिटीज़ के लिए आ रहा है टू तो के बाद वी वन आती है नाउन नहीं आता विल बी कोई सेंस नहीं बनी आर्टिकल कैसे लगा दिया प्लूरल से पहले ठीक है इज के बाद क्वालिटीज लिख दिया क्वालिटीज़ प्लूरल है तो बिल्कुल सही है वही तो बताया मैंने ठीक है बच्चों चलो देखो मॉडल 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 विल इज़ अ एंड एवरी आफ्टर देम ठीक है हर मॉडल के बाद क्या आती है V1 आती है हो गया क्वेश्चन खत्म ठीक है हेल्प सब्सिक्वेंट क्यू आर कोड विल हेल्प बेटा अभी हेल्प एक वर्ब है मैं अभी फिर से आएगी इस सेंटेंस को ध्यान से देखो वहां गलत कर रखा बुक में एक क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर लेना हेल्प आ गई अब आपको बताइए विल हेल्पिंग वर्ब है ये मेन वर्ब है और हेल्प आ गई इसके बाद ये ऑब्जेक्ट आ गया और ये एक एडवांस वर्ब आ गई जिसे कहते हैं बेयर इन्फिनिटी और ये अपने आपको वर्ब मानती है क्योंकि बैठी नाउन की जगह पे बेशक से वर्ब मानती है इसका ये ऑब्जेक्ट हो गया हाँ एक चीज सिंपल कर दूं मैं आपको एक क्लोज अगर सिंगल क्लोज है उसमें एक ही वर्ब आ सकती है बाकी जितनी आएंगी एडवांस वर्ब आएंगी एडवांस वर्ब क्या होती है इफ यू वॉन्ट टू यूज टू वर्ब्स टू सब्जेक्ट यू नीड टू यूज कंजंक्शन अगर आपको दो सब्जेक्ट या दो वर्ब यूज़ करने हैं आपको स्टूडेंट्स कंजंक्शन यूज़ करनी पड़ेगी एंड बट बट आप कहते हो मैं तो कंजंक्शन यूज़ नहीं करूंगा और फिर भी दो वर्ब लिखूंगा मैं चाहता हूं खेलना तो आप ऐसे नहीं लिख पाओगे बेटा खेलना क्योंकि ये दो वर्ब आ गई एक क्लोज में एक ही सब्जेक्ट एक वर्ब आ सकती है तो या तो कंजंक्शन लगानी पड़ेगी तो या फिर एक काम कर सकते हो इस वर्ब का एक इलाज कर सकते हो आप

और ये कहती है मैं प्योर नाउन नहीं हूँ कार क्रिकेट मैं वर्ब भी हूं तो ये इसमें वर्ब वाले काम भी हो सकते हैं वर्ब के बाद कौन से वर्ब वाले काम ऑब्जेक्ट लेना साउंड निकालना क्योंकि वर्ब के बाद बेटा साउंड निकलती है क्या किया कैसे किया वो बट एडवर्ब भी आते हैं तो प्ले का ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट पर ये टू प्ले क्या है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नाउन बनकर बैठ गए ये एडवांस वर्ब है तो कुछ वर्ब क्या लेती हैं टू वी वन को और कुछ वर्ब सिर्फ वी वन को एडवांस वर्ब मानती है जिसे बेयर इन्फिनेटिव कहा जाता है लेट मी गो आपने सुना होगा टू गो नहीं होता और भी बहुत है मेड है किसी को मनाना मेड का मतलब बनाना नहीं है किसी को मनवा लेना कोई काम आई मेड हिम वॉश माई क्लोथ्स वी वन आएगी टू वी वन नहीं आएगी एक और वर्ब है हेल्प आई हेल्प हिम वॉश माई क्लोथ्स वॉच भी है आई वॉच हिम कोई भी काम करते हुए देख लिया नोटिस करते हुए देख लिया वी वन से आएगी एडवांस वर्ब तो ये वही है स्टूडेंट मेन वर्ब हेल्प है आगे सब ये एडवांस होबसेस वी वन है ये ठीक है थीके? तो क्यूआर कोड हेल्प करेगा आपकी डाटा को अप्रोच करने में अचीव करने में एक्सेस करने में कि डाटा मिल जाएगा आपको ठीक है तो अब देख लो भाई आंसर हेल्प ये गलत मॉडल के बाद एस आई एस नहीं लगता बेस फॉर्म आती है प्लूरल वाली आती है हर मॉडल के बाद प्ले आता है चाहे यहां सब्जेक्ट ही हो चाहे कुछ हो क्योंकि ही का सर वील पे पड़ेगा पड़ेगा तो हेल्पिंग पे पड़ता है मेन पे नहीं हर मॉडल के बाद वी वन आती है प्लूरल वाली एसीआईएस e. नहीं बेस फॉर्म तो ये भी गलत हाँ अब ये दो रह गए हेल्प यू एक्सेस आपको पता है हेल्प के बाद जो एडवांस हो बती है उसकी शक्ल वी वन होती है तो वी टू लग रही है या वी थ्री लग रही है है जैसे लेट के बाद यू नहीं लिख सकते लेट मी वेंट वी वन आती है एडवांस वर्ब तो एडवांस वर्ब या तो वी वन होती है या टू वी वन होती है जिसे इन्फिनेटिव कहते हैं इसे बेयर इन्फिनेटिव वी वन प्लस आई एनजी जेर एंड या फिर पार्टिसिपल्स होते हैं आई एन जी वाले या वी थ्री पास्ट पार्टिसिपल यही एडवांस वर्ब यूज कर सकते हो बट मेन वर्ब एक ही आ सकती है अगर इफ यू नीड टू यूज सिंगल क्लोज एक क्लोज में तो आपका आंसर क्या है ये ठीक है स्टूडेंट चलो ये करिए ंग गर्ल वाज सो अफरेड अवर सीनियर डेट इज इफ यूश टू गो टू स्कूल वाज सो अफरेड सही है सो अफरेड ऑफ ही लगता है अफरेड के बाद यह भी पक्का है अफरेड के बाद हमेशा प्रीपोजिशन बेटाड एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके बाद फिक्स प्रिपोजिशन ऑफ लगती है नो सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल सही है सो के बाद आगे डेट क्लोज बनता ही है सो लगा के एडजेक्टिव लगाते हो आगे डेट से बना सकते हो नेक्स्ट करिए ये देखिए द स्टूडेंट रिपीटेडली रिपीटेडली एडवर्ब का काम कर रहा है क्योंकि ये वर्ब आ गई इसके आसपास और वर्ब के लिए एडवर्ब आते ही रन स्लोली वर्ब से पहले भी आ सकते हैं बाद में भी और रेफर करते हैं ना किसी चीज को रेफरेंस देते हैं किसी का टू लगा के देते हैं ना कि अबाउट फिक्स प्रीपोजिशन होती है टू रेफर के साथ ठीक है चलो देख लो टू किस में है और सेकंड फॉर्म लगा रखी है द स्टूडेंट रेफर्ड लगा सकते हो मैंने बताया था इफ दर इज नो हिंट ऑल्ट एंसर करेक्ट सिर्फ इसी में है बाकी सब देखते गलत 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 रेफर टू ठीक है तो स्टूडेंट रेफर कर रहे हैं टू वन पर्टिकुलर ऑथर ड्यूरिंग हिज प्रेजेंटेशन भाई उन्होंने ए की ऑथर को क्या कहते हैं रेफर किया है उसी से उन्होंने साइट किया उसे साइट का मतलब एविडेंशन किया है ड्यूरिंग hmm. हिज प्रेजेंटेशन अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान उसने एक की

इज गोइंग विल गोइंग कोई फॉर्मूला नहीं वाज गोइंग आ सकता है बिल्कुल आ सकता है बट या दे सिंगुलर नहीं है प्लूरल है तो वर गोइंग ज़्यादा बेटर था क्योंकि मैं तो ये भी सही मानू है इफ़ दर इज़ नो हिंट जा रहा था भी सही है जा रहा है भी सही है सब सही है बट सही तो वर्ब तो सही हो हेल्पिंग वर्ब गलत है ठीक है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको पता है ना हेल्पिंग वर्ब ठीक करते हैं मेन नहीं ठीक करते क्योंकि मेन तब करते हैं जब सब्जेक्ट के जस्ट बाद मेन हो पहले हेल्पिंग आ गई थी बन के तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग ठीक होती है मेन सही है तो दे आर गोइंग करो नेक्स्ट क्वेश्चन टैग बना है किस लाइन का दे मेट यस्टरडे का क्वेश्चन टैग क्या होता है स्टूडेंट देखो कोई भी लाइन का क्वेश्चन बनाना है जैसे मैंने बोला बहुत ज्यादा ठंड है है कि नहीं ये सेंटेंस पॉजिटिव है क्वेश्चन टैग इसका नेगेटिव बनेगा क्योंकि क्वेश्चन टैग एक रिस्पॉन्स होता है बहुत ज्यादा ठंड है, है कि नहीं अगर मैं को बहुत ज्यादा ठंड नहीं है, है क्या मतलब रिस्पॉन्स हमेशा हम अपोजिट लेते हैं थोपते नहीं है बहुत ज्यादा ठंड है हाँ तू भी बोल है थोपते नहीं है रिस्पॉन्स हमेशा अपोजिट बहुत ज्यादा ठंड है तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा और क्वेश्चन टैग कैसे बनता है कोई लाइन क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है और उससे पहले सब्जेक्ट पूरी लाइन तो बोलनी नहीं ठंड है कि नहीं इतना बोलना है, है कि नहीं बस इतना सा सब्जेक्ट चाहिए हेल्पिंग अब ये कहाँ से लाए यहीं से उठाओ इसी लाइन का हेल्पिंग वर्ब इसी लाइन का सब्जेक्ट और ये अगर यहाँ राम होता तो ही आता याद रखना क्योंकि नाउन की रिपीटिशन नहीं करते हैं ठीक है इट पहले ही प्रोनाउन है तो ठीक है इट आ गया हेल्पिंग वर्ब भी यहीं से लेनी है ये नहीं है, हैज हैव उठा ली इसी सेंटेंस की उठानी है इज लगा दी पॉजिटिव है नेगेटिव नोट यहाँ तब लिखते हैं जब पूरी लाइनों पर नोट को यहीं लिखना है तो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सब्जेक्ट से पहले ही लाना है तो इज इट बन गया ऐसे दे मेट यस्टरडे में ये वी टू है अब इसमें हेल्पिंग वही नहीं दिख रही है ना स्टूडेंट क्योंकि वो तो चाहिए क्वेश्चन टैग बनाने के लिए और पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी यहीं नोट भी शॉर्ट फॉर्म करके लिखना पड़ेगा नोट यहाँ लिखते ही नहीं है तब लिखते हैं जब मेन वर्ब भी हो ऑब्जेक्ट भी हो पर कुछ लिखना ही नहीं बस आपको तो दो ही चीजें चाहिए तो नोट भी यहीं आएगा हाँ वी टू कौन सा टेंस है पास्ट इंड नहीं दिख रही हेल्पिंग अब तो क्या हो गया डिड होती है P1 में भी नहीं वेर यू नीड टू फाइंड हेल्पिंग अप जैसे ये देखो आई प्ले क्रिकेट इसमें आपको नहीं दिख रही पर नेगेटिव में दिखेगी आई डू नॉट प्ले क्रिकेट आई प्लेड क्रिकेट ये पास इन डेफिनेट इसमें भी नहीं दिखती तो डिड होती है इसकी बाकी कितने टेंस बच गए टेन उन सब में हेल्पिंग अप कोई ना कोई आपको ऑलरेडी दिख जाएगी विल, ठीक है has, हेल्पिंग हो भी कोई भी थोड़ा उठा लो ऐसे तो बहुत सारी हेल्पिंग होबा है इज है आर है जो इस सेंटेंस में वही यूज़ करनी होती है क्योंकि इसी का तो क्वेश्चन बनाना है ये गलत ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की है ये कॉन्टिन्यूस की कह सकते हो ये पॉजिटिव बना दिया ठीक है नेक्स्ट ये करिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेड ट्रिब्यूट टू पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन ही डेथ डे डेथ डे को रिप्लेस करना ही करना है नो सब्सिट्यूशन नहीं रेफरेंस का होता है बार बार कोई चीज़ रिपीट होना डेथ रिपीट और या कोई फेस्टिविटी है यह कोई सेरेमनी एनिवर्सरी एनिवर्सरी बोला जाता है जब भी कोई एक चीज हो साल में ठीक है एनिवर्सरी सेरेमनी फेस्टिवल वगैरह मतलब कुछ बांट रहे हैं कुछ इनाम सेरेमनी तब बोलते हैं एनिवर्सरी बोलते है. नहीं तो एनुअल एक साल में एक बार हाँ कैस yes, Yes, V1 है, ठीक है और V1 से सेंटेंस स्टार्ट हो सकते हैं जिन्हें इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं जैसे क्लोज द डोर ठीक है टेंस से अलग चीज है ये बिल्कुल ही जैसे आपके पास ट्वेल्व टेंस है कितने हैं ट्वेल्व क्या बारह के बारह से आप दुनिया की हर हिंदी की इंग्लिश बना पाओगे बिल्कुल नहीं बना पाओगे जैसे मैंने कहा गेट बंद कर दो कोई टेंस आपके काम नहीं आएगा ता है रहा है वो तो नहीं आएगा ठीक है पाश में पीएम बन जाऊं कोई टेंस काम नहीं आएगा बट वर्ब की फॉर्म वही है घुमा फिरा के वी वन वी टू वी थ्री ये यूज़ होती है कहीं वी वन देखते ही आप ये ना सोच लेना कि वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है ठीक है यूज़ यही होते हैं कहीं वी टू देख के ये ना सोच लेना पाश इंडेफिनट टेंस है हाँ भाई होती है पाश इंडेफिनिट में पर हमेशा नहीं चलो yeah. क्लोज द डोर इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं जब सामने वाले को ऑर्डर देने वाले रिक्वेस्ट करने वाले एडवाइस आराम से वी वन लगा देनी होती है और सब्जेक्ट नहीं लिखना होता क्योंकि वो हमेशा सामने वाला ही होता है यू ठीक है ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस नहीं है इसके अंदर यह नहीं है ता है गेट बंद करता हूं इसकी है गेट बंद कर दो फ्यूचर में होगा बंद तो ये वही वीवन है गैस करो दैट वेसल होल्ड्स द लीस्ट वाटर क्वेश्चन है क्वेश्चन कैसे आ सकता है गैस डैट डैट गै, तो तब आता है जब आपको गैस करना एक्सप्लेन करना पड़े आप तो उससे पूछ रहे हो गैस विच वेसल होल्ड द लीस्ट वाटर कौन सा विच यूज होता है जब हमारे पास ऑप्शन हो कौन सा ठीक है जैसे विच इज द करेक्ट आंसर चार ऑप्शन होंगे तो विच लगेगा वट कब लगता है वट इज योर नेम जब आपका एक ही नाम है ना दस नाम तो है नहीं पर्टिकुलर एक ही नेम है तो वट लगाओ कई सारे ऑप्शन हो तो विच लगाओ तो कौन सा है वैसल यहाँ विच लगेगा कैसे इन्होंने ऐसे यहां पे लिख दिया ठीक है विच वैसल होल्ड द लीस्ट वर्ड करें किस में ऑप्शन बीच यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं वैसल सब्जेक्ट है जैसे माई वैसल ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं ऐसे ये भी एडजेक्टिव है होल्ड्स वैसल सिंगुलर है होल्ड्स आएगा यही है ये आंसर सही है बाकी सारी गलत हैं गैस विच वैसल कौन सा वैसल विच वैसल होल्ड्स ये वी है वैसल के लिए नेक्स्ट देखो यूर वर्क डायरी बेनिफिट देगी आपको इफ यू यूज इट एंड कीप ऑल की इन्फॉर्मेशन है अगर तुम पढ़ते हो तो पास हो जाओगे इफ के साथ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस वाला क्लोज आता है और मेन क्लोज आता है विल वन के साथ दोनों में विल नहीं लगाते एक विल हटा देते हैं अक्सर ये क्वेश्चन बनता है अगर तुम पढ़ोगे इफ यू विल स्टडी ऐसे एरर आता है पेपर में इफ यू विल स्टडी यू विल पास विल का काम है बेटा फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताना तो दोनों बातें फ्यूचर पे डिपेंड करती हैं आप आगे नहीं जा सकते फ्यूचर को देखकर ठीक है कि ये दोनों बातें क्या कर रही हैं डिपेंड कर रही हैं आपस में और दोनों में विल लगा दिया नहीं कर सकते एक को फैक्ट बनाना पड़ता है इफ़ वाले क्लोज को तो यही है प्रेजेंट है दो वर्बस जोड़ दिए एंड से वो कोई टू वर्ब्स द हेल्प ऑफ एंड ओके यूज एंड ये आ गया फ्यूचर पर बेनिफिट तो यार नाउन होता है बेनिफिट ठीक है इसके बाद विल के बाद तो वर्ब आनी चाहिए कुछ भी वर्ब लाओ वर्ब तो लाओ विल कह सकते हो होना जैसे विल प्ले खेलूंगा विल लिखूंगा, बेनिफिट होगा। और होना की होती है 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 होना तो बेस आती है, आने सकती आएगा विल जैसे वो वो सच्चा होगा ही विल ट्रू। वो होगा ईमानदार ठीक है ना बेटा पहले बी तो लगाओ ना होना की इंग्लिश तो यही है ना जैसे खेलना की प्ले है इज एम आर देखो होना की फर्स्ट फॉर्म बी और तो बेस फॉर्म होती है इज एम आर ये इनका हिंदी होती है होना

हाँ जी बताइए चलो बताओ आंसर क्या लगाएं बिल के बाद सेकंड फॉर्म लगा दी बेनिफिट को वर्ब भी ट्रीट कर सकते हैं नाउन भी ट्रीट कर सकते हैं ये नाउन भी हो सकता है वर्ब भी हो सकता है कई वर्ड होते हैं नाउन और वर्ब दोनों होते हैं जैसे वर्क काम करना वर्ब भी है नाउन भी है ठीक है तो ये सेकेंड फॉर्म होगी विल बेनिफिट ऑफ कोई सेंस नहीं बनी डेरी विल बेनिफिट ऑफ ऑफ के बाद कुछ लिख तो दो यू वर्क डेरी ऑफ बेनिफिट यूर क्या मॉडल ही नहीं लगाया तो आपको एक ही काम कर सकते हो विल बी ऑफ बेनिफिट बिल्कुल सही फ्रेज मॉडल के बाद भाई एक बार बीफ बी लगा और बेनिफिट को फिर नाउन बना लो विल बी ऑफ नाउन बना लो अब की जगह ठीक है आ सकता था बेनिफिट यूर वर्क डेरी विल बेनिफिट यू भी आ सकता तो हो जाता वो बीच में ऑफ ना लगाते तो चलो इट इज मोर होट नाउ कंपेरिजन हो रहा है मोर लगाए हुए तो कंपेरिजन हो रहा है अब आपको पता है कंपेरिटिव डिग्री क्या होती है गुड है गुड की कंपेरिटिव डिग्री बेटर है सुपरलेटिव बेस्ट है कब गुड यूज करते हैं जब आपको लगे इफ यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट पर्सन ही इज बेटर सबसे अच्छा हो तो बेस्ट अब आप बताओ ऐसा लग रहा है ना तो यहाँ पे सुपर लेटेड डिग्री यूज करें मोर होट जैसा एग्जामिनर कह रहा है वैसा चल लेते हैं वो कंपेरिटिव डिग्री यूज कर रहे हैं कह रहे हो पता कैसे लग रहा है कहाँ हो रहा है कंपेरिजन ये ऑटोमेटिक कम्पेरिजन कई बार हमें नहीं दिखता पर हो रहा होता है जैसे मैंने लिखा द टेम्परेचर इज बिकमिंग होटर डे बाई डे अब देन तो नहीं लगा हुआ आगे बेटर देन की तरह पर यहाँ एक दिन का दूसरे दिन से हो रहा है ऑटोमेटिक आई विल कॉल यू लेटर यहाँ ऑटोमेटिक कंपेरिजन हो रहा है स्टूडेंट ठीक है लेटर कंपेरेटिव डिग्री है कैसे हो रहा है मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा अभी नहीं बाद में हो गया कंपेरिजन हाँ होटल लिखो मोर होट अब मोर क्यों लगा रखा है इन्होंने बेटा मोर तब लगाते हैं जब किसी की ऐसे होटल होटेस्ट ऐसे बने ना जैसे ब्यूटीफुल है उसका नहीं बनता ब्यूटीफुलर मोर ब्यूटीफुल क्यों नहीं बनता क्योंकि ये इसके पीछे एक सफिक्स लगा होता है फुल इंटेलिजेंट का भी नहीं बनता इसके पीछे सफिक्स लगा होता तो इनमें मोर मोस्ट लगा के बनाते हैं पर होटल का तो बनता है वाइजर का तो बनता है तो अब बताओ क्या करें भाई ज्यादा गर्म है आज नाउ लिखा है ना नाउ का मतलब है पहले से ज्यादा हो रहा है कंपेरिजन होटनेस क्या ये जो लिख रखे उसी सेंस में रहो ना होटनेस नाउ क्या कर रहे हैं ठीक है बताओ मोर होट देन ये देन की स्पेलिंग ही गलत है होटर आना था वही करो होटर नाउ डी बिल्कुल सही है कंपेरिजन कह रहा है करो तो मैंने कर दिया ठीक है नेक्स्ट कोलिजन विटनेस किया गया जो पेडिस्टियन था जो पैदल चल रहे थे उनके द्वारा कोलिजन कोलिजन का मतलब होता है टक्कर प्रोटेस्ट नहीं होता फ्यूनरल नहीं होता किसी के मरने पे होता है ये क्या कहते हैं प्रोसेशन का मतलब ऐसे लोग जा रहे हैं पावरफुल ब्लास्ट नहीं होता एक्सीडेंट को कहते हैं कोलिजन दो चीज़ों में टक्कर यही आंसर है इसका रिप, रिप्लेस करोगे जब आप ठीक है नेक्स्ट लोग जो है बड़ी एडोरेबल हैं भाई प्यार करने लायक हैं लवेबल हैं बींग्स टू टाई क्या ये टाई बांधना है इसको बींग्स ऑर्गेनिज्म है एनिमल्स हैं पेट्स हैं हाँ पालतू होते हैं ये टू कीप हाँ अपने रखने के लिए अपने पास पालने के लिए टू कीप ये इसका रिप्लेसमेंट है नो no सब्सिडी है नहीं तो क्यों लगाओगे ठीक है यही सेंस सेंसारिया रीडिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन है ठीक है नेक्स्ट करो आई हैव टू सेव दिस कूपन मुझे ये कूपन सेव करना पड़ेगा ठीक है इन केस आई कम बैक टू द स्टोर टू आई हैव टू सेव दिस कूपन इन केस आई कम बैक टू द स्टोर टू एक सेकंड करिए 69th क्वेश्चन है अच्छे से देखो इसमें क्या कंडीशन लगेगी ये माइक को अब सही है चलो कोई एरर नहीं है क्या बताओ जल्दी <laughs> देखो आई हैव टू सेव दिस कूपन ठीक है मुझे ये सेव करना पड़ता है इन केस आई कम बैक टू द स्टोर टुमारो इन केस एक कंजंक्शन है आई के साथ कम ठीक है कंडीशनल सेंटेंस में इफ वगैरह इन केस के साथ प्रेजेंट ही लगता है इस टाइप इस साइड फ्यूचर लगता है और हैव टू कई बार फ्यूचर की भी सेंस दे देता है आई हैव टू सेव दिस कूपन इन केस मैं आता हूं तो मुझे ये सेव करना पड़ेगा कूपन कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट ये सही है बिल्कुल सही है इफ के साथ देखो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस आता है अभी कंडीशनल सेंटेंस किया था मेन क्लोज में फ्यूचर आता है और फ्यूचर सिर्फ इससे नहीं बताते विल सेल से क्लोज द डोर ये भी फ्यूचर है टू प्लस वी वन इंफिनेटिव यह भी एक फ्यूचर की सेंस देता है कैन मॉडल लगाओगे ये भी फ्यूचर की सेंस देता है और भी बहुत चीजें फ्यूचर की इसमें आप जाओगे नो no सबस्टिट्यूशन कोई दिक्कत नहीं आई के साथ हैव लगा हुआ है सही है अगर मैं आता हूं तो नेक्स्ट ही इज वाइफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगा रहे हैं कोई हिंट नहीं है सही है उसकी वाइफ उसकी हेल्प कर रही है और उसे इंकरेज कर रही है डिसऑनेस्ट कामों में ठीक है अब एट का मतलब यही होता है गलत कामों में इंकरेज करना कि भाई ये कर वो कर ठीक है अब कॉन्टिन्यूस टेंस लगाओ या प्रेजेंट डेफिनेट टेंस लगाओ कुछ मर्जी लगाओ पर ढंग से तो लगाओ एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और एंड के साथ इनडेफिनेट टेंस क्योंकि वाइफ है मेन सब्जेक्ट तो या इज एडिंग है तो यहां भी इज अ बैटिंग होना था यहाँ एड्स करो तो यहाँ भी अबैट्स कर लो करती है ज्यादा बेटर कर रही है ऐसे देख लेते हैं एक बार कौन सा बेटर है हाँ। रिप्लेस इसी को करना है ना इज से लेकर अबेट्स तक हाँ ये रिप्लेस करना है सीधा एडिंग आ नहीं सकता हिज वाइफ एडिंग क्योंकि इज इसके बिना आई एन जी आ ही नहीं सकता एक यहाँ लिख दिया एड्स हेल्प करना होता ये है, है ये वर्ब है बेटा वर्ब है ये दोनों एड्स एंड अबैट एक आई लिख दी एक एक बिना मतलब पूरे को रिप्लेस करा एक में आई आ गया और एक बिना इज एम आर के आई एन जी आ ही नहीं सकता सीधा आई एन जी आ गया ये ठीक है करती है फैक्ट बना रहा। अगला इनडेफिनेट टेंस यूज कर रहा है करने दो करती है इफ़ेक्ट बना रखा है ठीक है एड्स एंड अबैट्स ये बिल्कुल सही है फाइव सब्जेक्ट होगी ये वर्ब्स होगी दोनों एस सी आई एस वाली एंड सेम चीज़ों को ही ज्वाइन करता है वर्ब है तो वर्ब कोई नाउन है तो नाउन कोई ठीक है ये आंसर सही है ठीक यह करिए एक थिन लेयर है सब्सटेंस की कॉल्ड सोइल ए थिन लेयर ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड सोइल मेंटेन्स द लेवल ऑफ द अर्थ एंड इज वेयर प्लांट रूट्स आर फाउंड ए थिन लेयर ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड सोइल मेंटेन ठीक है ए थिन लेयर है सब्सटेंस कॉल्ड सोइल थिन लेयर ऑफ सब्सटेंस पतली सी लेयर होती है जिसे मिट्टी कहते हैं मेंटेन करती है लेवल अर्थ का मेंटेन क्या करती है कवर करती है सरफेस ऑफ द अर्थ हां सरफेस है जो अर्थ का उसे कवर करती है और जहां पे प्लांट्स के रूट्स पाए जाते हैं तो यही सेंस है बिल्कुल सही सेंस है रिमूव द टेक्सचर डिजाइन कंट्रोल ग्रोथ ऐसा कुछ नहीं है सोयल सबको पता है अर्थ का कोई सरफेस है उसे कवर कर रखा है मिट्टी ने यही आएगी बिल्कुल आप रोक के पढ़ सकते हो अच्छे से नेक्स्ट करिए सी लेवल्स हैव बीन राइजंग कोई फॉर्मूला नहीं है अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाना भी है तो हैव बीन राइजिंग लगाओगे इज हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट

नहीं है तो अब कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है ये गलत ये क्या है आर रेज पैसिव क्यों बना रहे हो खुद ही राइज हो रहा है, ये। पैसिव बनाने नहीं है रेज कोई उठाना होता है इसका मतलब तो राइज रेज होता है उठाना कुछ उठा नहीं रहे राइज हो रही है उठना उदय होना दो चीजें यूज होता है रेज होता है ही रेज द प्रॉब्लम उठा नहीं रहे सी लेवल्स कुछ नहीं उठा रहे Passive sense की कोई जरूरत नहीं है. है. है है. है. बिल्कुल बिल्कुल सही है, यही बिल्कुल सही यही आंसर कि rise हो रही ठीक है। रीडर है? जो, जो भी है वेट कर रहे हैं भाई जल्दी से कंप्लीट हो इस लड़की की नोवेल ठीक है फोर्थ कमिंग एक एडजेक्टिव है आने वाली नोवेल नाउन हो गया आर के बाद आई भी सही लगा हुआ है ईगरली वेट को क्वालिफाई करने वाला है पर वेट के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन हो, होती है इज वेटिंग फॉर मी ठीक है क्विक एडजेक्टिव है इस कंप्लीशन नाउन के लिए तो फोर वाला ऑप्शन ढूंढो जल्दी से ये गलत ये गलत ये गलत देखते है आंसर सही ठीक है नेक्स्ट करिए ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है इसे सही कर रहे हैं हम अब ठीक है कर लेना बुक में भी राजीव हेल्प्स हिज फ्रेंड्स ऑफ सोल्व गलत है सिर्फ सोल्व आएगा मैंने अभी बताई थी आपको कुछ एडवांस वर्ब कुछ वर्ब है सॉरी लेट होगी जैसे आई विल लेट एक क्लोज में एक वर्ब आ गई है लेट हिम गो आपने बोला ही होगा मेक मेक हो गई मेक हिम वी वन बेड जिसका मतलब ऑर्डर देना होता है आई बेड हिम लीव द रूम वी वन लेती है एडवांस वर्ब टू वी वन नहीं लेती है जितनी भी वर्ब है ये एक साथ बोलने के कारण सिर्फ वी वन लेती है कुछ वर्ब टू वी वन लेती है आई ऑर्डर्ड ये टू क्लोज को लेती हैं। बट बेड है लेट है let है, watch है, see है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट होती है और मेड से टू वीवन लगा देता है पर आता है. है राजीव हेल्प करता है अपनी फ्रेंड को सोल्व करने में ठीक है हेल्प करता है करने दो वी वन लगा के कर रहा है करने दो बिकॉज देर इज नो हिंट तो हम यू नहीं कह सकते कि हेल्प लगाऊंगा मैं तो कल की थी येस्टर्डे थोड़ा लिख रखा है जो मर्जी है फैक्ट मान के ठीक मान लो इफ देर इज नो हिंट ओल्ड टेंस आर करेक्ट बट आपको पता है हेल्प एक वर्ब है आ चुकी है आगे एडवांस वर्ब वी वन आएगी बेर इन्फिनेटिव कहते हैं जिसे और ये अपने आपको वर्ब मानती है तो ये इसका ऑब्जेक्ट है आगे सेंटेंस को एक्सटेंड कर रखा है अब इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कोई ऑप्शन नहीं है मैं मान सकता हूँ ये टू ना होता तो इस ऑप्शन को ठीक कर देता ठीक है हेल्प अभी करा था अभी आया भी था इस क्वेश्चन में भी आया था अभी एक्सेस लिखा हुआ था ठीक है यू डू नॉट हैव एक्सेस टू दिस कंटेंट करंटली ठीक है डू नॉट आ गया ठीक है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है बनाने दो यू नेगेटिव कर रखा तो है जैसे आई डू नॉट प्ले क्रिकेट तो डू नॉट के बाद वी वन आई ये ठीक है वीवन हैवी हैव भी हैव मेन वर्ब होती है यू ना सोचना हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म आती है हैव मेन वर्ब भी होती है बेटा आई हैव अ कार जिसकी हिंदी होती है मेरे पास एक कार है हैव हेल्पिंग वर्ब भी होती है इसके बाद थर्ड फॉर्म आती है पर मेन वर्ब भी होती है दिखती बस वैसे ही है तो ये डू नॉट हेल्पिंग वर्ब है ये वीवन है और इसके बाद ये एक्सेस ऑब्जेक्ट है आप इस कंटेंट को देख नहीं सकते एक्सेस नहीं कर सकते इसके अंदर परमिशन नहीं है आपको तो आप क्या करें बिल्कुल सही है हैव एक्सेस हैव परमिट क्यों लगाना है एक्सेस जब सही है या तो गलत होता एक्सेस ही होता है किसी कंटेंट पे आप एक्सेस नहीं कर सकते अंदर इसका छानबीन नहीं कर सकते पहुंच नहीं सकते ठीक है परमिट क्यों लगाओगे परमिट टू हैव दोनों है परमिट टू दिस परमिट के साथ टू नहीं लगती बिल्कुल सही है एक्सेस नो सब्सिट्यूशन ठीक है ये था स्टूडेंट ट्वेंटी आई होप यू हैव द क्लास थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग कल हम स्टार्ट करते हैं सेवेंटी सिक्स से हंड्रेड थैंक यू